फ्रेंड्स, वेलकम टू आइंस्टाइन फैक्ट्स। चलिए देखते हैं मोस्ट भूतिया हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया। फैक्ट नंबर वन दोस्तों, कि आपको पता है डाउन हिल कैटसोंग वेस्ट बंगाल, ये जगह लोकेटेड है 30 किलोमीटर अराउंड फ्रॉम दार्जिलिंग, जो कि बॉस है हॉन्टेड प्लेसेस इंडिया की। यहाँ पर अक्सर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होते रहती है, चाहे दिन हो या रात। लोगों का ये भी कहना है कि यंग लड़के की सरकटी बॉडी को चलता हुआ देखा है, जो कि अक्सर रातों में दिखता है और फिर जंगलों में गायब हो जाता है। दोस्तों, यहाँ की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ इतनी खतरनाक है कि विजिटर पागल हो जाते हैं और खुद की जान तक ले लेते हैं। दोस्तों, हाल ही में डाउनहिल के पास रहने वाले कुछ निवासियों ने ये भी बताया कि उस सर कटे लड़के के वजह से बहुत से लोगों की जान जा चुकी है और फॉरेस्ट जंगल में उनकी बॉडी मिली है बेहद बेकार हालत में। दोस्तों, वेस्ट बंगाल की पुलिस भी डाउनहिल एरिया के पास जाने से रात में डरती है। फैक्ट नंबर टू दोस्तों, कि आपको पता है राजस्थान का भांगर फोर्ट, ये जगह वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है इंडिया की, जो कि अलवर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये डिक्लेयर किया कि सूरज डूबने के बाद यहाँ जाना बिल्कुल मना है। दोस्तों, 16th सेंचुरी में यहाँ के टाउन के एक तांत्रिक प्यार में पागल हो गया था भांगर की प्रिंसेस रत्नावती के, जो कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत औरत थी दुनिया की उस वक्त। उस तांत्रिक ने प्यार में पागल होकर काला जादू करना स्टार्ट कर दिया रानी को हासिल करने के लिए। जब रानी रत्नावती को ये बात पता चली तो उन्होंने उस तांत्रिक को जलती हुई कढ़ाई में डालकर मार देने का हुक्म दिया। मरने से पहले उस तांत्रिक ने पूरे भानगर को श्राप दिया कि पूरा गांव बर्बाद और लोग मर जाएंगे। आज भी उस तांत्रिक की आत्मा मौजूद है इन भांगर फोर्ट। दोस्तों, सूरज डूबने के बाद गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने लोगों को सख्त मना किया है भांगर फोर्ट विजिट करने के लिए। फैक्ट नंबर थ्री दोस्तों, कि आपको पता है थ्री किंग्स चर्च गोवा, दोस्तों ये जगह हॉन्टेड है बाय स्पिरिट ऑफ किंग्स, जिसने यहाँ गोवा में बैटल करते वक्त अपनी जान गंवाई थी। दोस्तों, कहा जाता है बैटल में दोनों जगह के राजा मारे गए थे एक तीसरे दुश्मन के हाथों, जिसे किंगडम पर रूल करना था। दोस्तों, राजा को मरने के बाद उस दुश्मन ने लोगों से डर के और उनके गुस्से के आगे पॉइजन खाकर अपनी जान दे दी थी। दोस्तों, चर्च के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है डेट चर्च में से चिल्लाने की आवाज़ और थ्री किंग्स की आत्मा भी नजर आती है रात को। दोस्तों, ये चर्च पूरा सुनसान है, जहाँ कोई विजिट नहीं करता इन गोवा। दोस्तों, थ्री किंग्स चैपल चर्च विदाउट एनी डाउट सबसे ज्यादा शापित जगह है गोवा की आज के वक्त। फैक्ट नंबर फोर दोस्तों, कि आपको पता है गुजरात का डुमास बीच, दोस्तों पहले ये जगह एक मुर्दा घर यानी बुरियल ग्राउंड थी, जहां लोगों को दफनाया जाता था। दोस्तों, डुमास बीच वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस है गुजरात की। दोस्तों, टूरिस्ट अट्रैक्शन सूरज ढलने के बाद डेविल पैराडाइज बन जाता है यहां पर। जिसने भी यहां पर टेस्ट करने की या स्पिरिट की मौजूदगी देखने या रिकॉर्ड करने की कोशिश की रात में, वो या तो वापस नहीं आया या फिर सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस की वजह से पागल हो गया। दोस्तों, ये डुमास बीच 20 किलोमीटर दूर है फ्रॉम सूरत सिटी। दोस्तों, आज भी टूरिस्ट और यहाँ तक कि गुजरात के लोग भी रात के वक्त डुमास बीच में जाने से बहुत डरते हैं और दूसरों को भी मना करते हैं। फैक्ट नंबर फाइव दोस्तों, कि आपको पता है दिल्ली कैंट एरिया ऑफ न्यू दिल्ली, दोस्तों ये कैंटोनमेंट एरिया इन दिल्ली हब बन चुका है घोस्ट एंड घोस स्टोरी का। यहाँ पर बहुत से हॉन्टेड इंसिडेंट हो चुके हैं। दोस्तों, इस एरिया में गाड़ी चलाने वाले कहते हैं डेट यहाँ पर रात में एक वाइट साड़ी में औरत लिफ्ट मांगती है और गाड़ी के पीछे भागती है लोगों की। ये औरत रोते हुए खुले बाल लिए लिफ्ट और राइड मांगती है और गाड़ी रोकने पर गायब हो जाती है और कुछ सेकंड्स बाद फिर गाड़ी के पीछा करती है। कहा जाता है दिल्ली के एरिया में उस औरत ने अपने बच्चों को एक्सीडेंट में खोया था, जिसमें उस औरत की भी मौत हो गई थी। दोस्तों, दिल्ली कैंट एरिया बहुत ही ज़्यादा फेमस है, हॉरर डेस्टिनेशन बन चुका है, दिल्ली वाले ये भी कहते हैं। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।